हेलो और वेलकम बैक गाइस, यू आर बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ व्लॉगिंग विद मुकेश। तो गाइस आज आप आ गए फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। और जैसे कि आपने देखा कि चाचा लोग चले गए गांव को, लेकिन प्रांशु नहीं गए। और अभी वैसे मैं ये वाला व्लॉग तो पूरा कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि नहीं करूँगा मतलब जो पहले वाला व्लॉग में बता रहा था वो वाला व्लॉग को इसके आगे से आप देखोगे। और देखो कैमरा लाया है, कैमरा के अंदर है वो, क्या क्या सामान पड़े इसके अंदर। तो अभी पीसी तो खोल लिया है और आज मतलब मस्त चल रहा है, दो तीन दिनों से मैं चला रहा हूँ। अब करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आप देखना इसके आगे का व्लॉग। हेलो और वेलकम बैक गाइस, यू आर बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ व्लॉगिंग विद मुकेश। तो गाइस आज जा रहे हैं मंदिर दोबारा से, वो कौसानी साइड को जो मंदिर है ना उस साइड को, नाम याद नहीं आ रहा अभी। और अम्मा लोग सब आ रहे हैं तो अब चलते हैं। पापा आ गए नीचे रोड में, क्योंकि वो कल रात पे ही और रुके थे ना। ये मतलब रोड का काम वगैरह चल रहा है ना, जेसीबी वगैरह है, गाड़ी वगैरह यहाँ पे फंसी है। तो बागेश्वर तो पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ से पूरा बागेश्वर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ग्राउंड है क्रिकेट का। तो अभी रुके थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए। तो फाइनली गाइस अब पहुंच चुके हाट कालिका मंदिर। मैं तो सोया था, मेरे को पता भी नहीं चला कब पहुंचे, पूरे रास्ते में सोया ही सोया हुआ था आया था। ये देखो इतनी लाइन भी लाइन लगी है और सब लोग लग गए, हम भी लाइन में लगते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। क्या ये मुझे क्या पता क्या है। तो गाइस अब हाट कालिका से तो आ चुके हैं, अब चलते हैं पाताल भुवनेश्वर को। और टाइम भी हो चुका है, लग रही है घर जाने में लेट होगी, जल्दी जल्दी से चलते हैं वगैरह सही कराने के लिए। जो ये वाली हेडलाइट है खराब हो रखी थी ना, जिस दिन 7 साल साठ थे उस दिन खराब हुई है, पता नहीं कैसे, उस टाइम से आज ही ठीक करा रहे, क्योंकि घर जाने में लेट होगी ना। ये वाली तो ठीक है। क्या बोला,
तो ठीक चल रहा था, ये खराब लग रहा है। हाँ बताइए, यहाँ देखो फॉर्म वगैरह सबमिट हो गया। देखो भाई जैसे हम बाहर आए पूरी बारिश होने लग गई, नीचे इतना मजा आ रहा था गुफा के अंदर, वो तो मैं बाद में बताऊंगा मुझे को, लेकिन अभी बारिश हो रही है, अभी हो रहा है, यहाँ से कैसे जाए, आधे लोग चले गए, आ रहे ये देखो सब भीग गए, इन देखो छत के ऊपर पे ये लगा रखा है ना, इसलिए यहाँ पे बैठ रखे थे। ओए जय खवा देखो यहाँ 17 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और हल्द्वानी साइड तो 56 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये देखो बारिश हो रही है, सब भीगते भीगते आ रहे हैं मंदिर में, वहाँ तक पूरा, और जो ये पेड़ है ना इनके जैसे ठंडा भी होता है थोड़ा बहुत, और आज खाना वगैरह खाया नहीं अभी, अब ऊपर देखेंगे कहीं खाने का, चलते हैं अब। तो भाई आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वैसे इस जो मतलब इससे पहले जो देख रहे थे आप वीडियोस क्लिप्स वगैरह, उसमें क्वालिटी आपको बढ़िया दिख रही होगी, क्योंकि उससे पहले मैं उस टाइम पे बनाता था कैमरा से ब्लॉग, और आजकल मैं बना रहा हूँ फ़ोन से। कैमरा तो है लेकिन कैमरा हर जगह नहीं ले जा सकते ना, तो कैमरा तो रखा हुआ है देखो, लेकिन मैं इससे बनाता नहीं हूँ क्योंकि ट्राईपॉड भी नहीं, ट्राईपॉड वैसे है जो मतलब वाला नहीं है बढ़िया वाला, वैसे कैमरा तो है, देखेंगे अब कैमरा से बनाने का सोचेंगे। तो बस गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, और उस दिन तो वैसे हमको बहुत लेट हो गई थी रात को हम पहुँचे थे 2-3 बजे घर, और वहाँ मतलब जगह कौन सी थी बताऊँ, जो वाला गाना नहीं है पहाड़ी गाना, जो पहाड़ी होंगे उनको बताऊँगा, चौकोटी में बैठी मेरे कॉली प्यारी आहा वाला, मैं चौकोटी और क्या क्या वो उस साइड को था, वो कौसा बागेश्वर से ऊपर साइड को मतलब उस साइड को थे, और जो दूसरे मंदिर गए थे हम पाताल भुवनेश्वर ना, वहाँ मतलब सब कुछ गुफा के नीचे था, और मैं वीडियो वगैरह तो बना नहीं पाया था क्योंकि वहाँ सब कुछ उनने समेट कर लिया था, कैमरा भी और फ़ोन भी, लेकिन जब अगली बार जाएंगे पूरा अच्छे से व्लॉग दिखाएंगे आपको, लेकिन पाताल भुवनेश्वर के नीचे तो नहीं ले जाने देते, और लेकिन आप लोग ज़रूर जाना, मतलब जो जा सकता है वो ज़रूर जाना, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह है और वहाँ हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। और गाइस कमेंट करके मेरे को बता देना, वैसे तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि कैमरा से ही व्लॉग बनाओ, हाँ कैमरा से ही बनेगा आगे से व्लॉग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है आजकल, सपोर्ट दिखाओ गाइस, मतलब जल्दी जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो, फिर मैंने बोला था एक सरप्राइज़ है, जल्दी जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स करा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।